सेलमैन के पास पहुंच जाना होता है और उसको कहना है ले आप भाई सारे फाउंडेशन हमें दिखा दे, सबसे ज्यादा गोरा करने वाला और सबसे ज्यादा हाई कवरेज देने वाला फाउंडेशन हमें चाहिए, तो वो उठाकर आपको दे देगा। तो आप लोग वही उठाकर ले आते हो, वो चाहे 5,000 का हो, 7 का हो, 3 का हो, 2 का हो, वो एक अलग इशू है। वालेकुम जी, मैं हूँ मुना वसीमा, आगे जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। आज मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, एक मेकअप करना किस किस को पसंद है, नीचे आकर कमेंट्स में बताइएगा। आजकल तो खवातीन से हटके मर्द हजरात भी घर से निकलते हैं ना, तो मेकअप कुछ ना कुछ किया होता है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको अगर कंफ्यूजन रहती है किसी भी पार्टी, शादी, फंक्शन, इवेंट, किसी भी ओकेजन पर जाने से पहले आपको समझ नहीं आती कि आपका फाउंडेशन जो है ना, जब भी आप लगाती हैं या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या वो ग्रे हो जाता है या फिर आपकी स्किन उसमें टैन दिखती है या फिर आपकी स्किन के टोन के हिसाब से वो सेट बैठता ही नहीं है, या तो आप डार्कर शेड ले आते हैं मार्केट से या फिर आप लाइटर शेड ले आती हैं, तो यहाँ आपको समझ नहीं आती और इतने सारे पैसे भी लग जाते हैं और इतनी सारी फाउंडेशन भी इकट्ठी हो जाती है, बिल्कुल जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आप भी? मुझे इतने ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं, मेरा डीएम्स हमेशा इस सवाल से भरा रहता है और मैं काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी, लेकिन अभी मैंने सोचा क्योंकि शादी सीजन चल रहा है तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूं इस बात को। सबसे पहले तो आप लोग ये वाली फुटेज देखिए जो कि साथ में चल रही है, इसको देखने के बाद ना बड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाने। आप लोग ये वीडियो देखें कि ये लेडी जो है ये किस तरह से अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना फाउंडेशन चूज करके अपने फेस के ऊपर लगा रही है। बिल्कुल हम लोगों ने भी मेरी प्यारी बहनों इसी तरह से एक फाउंडेशन चूज करना है जो कि बिल्कुल परफेक्ट शेड होगा, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होगा। जब भी हम उसे लगाएंगे ना वो ऑक्सीडाइज होगा, ना हमारी स्किन पे जो लगने वाली बेस है वो ग्रे होगी, ना हमारी स्किन टैन दिखेगी और हमेशा हमारी स्किन या तो मैट दिखेगी या फिर फ्लॉलेस दिखेगी या फिर एक सेटल सा लुक हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जो जो बातें डिस्कस करने वाले हैं उसे आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बातें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, ठीक है जी। तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि फाउंडेशन को लेकर या बेस को लेकर हमारे दिमाग में एट अ टाइम चल रहे होते हैं। मैंने इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कवरेज कैसी होनी चाहिए फाउंडेशन की, उसकी फिनिश कैसे आनी चाहिए, हमारी स्किन टाइप क्या होनी चाहिए। आपकी मार्केट में तो फाउंडेशन ठीक लग रही होती है जब उसे हम हाथ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे घर आकर फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो कुछ और ही बन जाती है, ऐसा होता है ना। नंबर 5 पर आ जाता है कि स्किन टोन का और अंडर टोन का क्या मसला है, हमें इस बारे में समझ नहीं आती। ये टेक्निकल सा सवाल है और इसका जवाब भी आपकी बहन आपको टेक्निकली ही देगी, फौरी फौरी समझ आ जाएगा। नंबर 6 पर आ जाता है कि मार्केट में कितनी सारी फाउंडेशन अवेलेबल है, हमें समझ नहीं आती कि कौन सी चूज करें। और 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जो कि हमारे लिए बेस्ट वर्क करे। शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल कि फाउंडेशन की कवरेज कैसी होनी चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना मार्केट जाने के लिए तो हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हो रहे होते हैं और उसका हम खुद को ही जवाब दे रहे होते हैं कि ये चीज लेनी है, ऐसी लेनी है, वैसी लेनी है। तो आप लोग जब बाजार जाएंगे ना तो आपने ये आइडिया खुद से लगा कर जाना होगा कि आपको कौन सा फाउंडेशन चाहिए जो कि हाई कवरेज देता हो, मीडियम कवरेज देता हो या फिर वो लाइट कवरेज देता हो। तो अब आप लोग वहां पर जाकर जब बाय करेंगे ना, फाउंडेशन के ऊपर ही लिखा होता है कि ये हाई कवरेज देगा आपको, ये लाइट कवरेज देगा, ये मीडियम टू लाइट देगा या मीडियम टू हाई देगा, मतलब इस तरह से उन्होंने ऊपर मेंशन किया होता है। तो आप लोग अपनी पसंद से वो वाला फाउंडेशन चूज कर सकते हैं जितनी कवरेज आपको रिक्वायर्ड हो। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था कि आपकी फाउंडेशन की फिनिश कैसी होनी चाहिए। ये सवाल भी आप लोगों ने अपने दिल से पूछना है कि आपको फाउंडेशन किस तरह से दिखने में या लगाने में अच्छा लगता है। अभी आप लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, आप लोग टीवी ड्रामास भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किसने मैट फाउंडेशन लगा रखी है, किसका बस नॉर्मल सा फाउंडेशन लगा हुआ है, किसने कोई ड्यूई मतलब बहुत ही ज्यादा चमकीली धमकीली फाउंडेशन वेयर कर रखी है, ये आपको आराम से पता चल जाता है। तो अब आप लोग सोचें कि आपके फेस के ऊपर किस तरह से फाउंडेशन आप लगाएंगे जो आपको जचेगी, खुद ट्राई टेस्ट करना होगा। ये ठीक है, ये सवाल अब आप लोगों ने खुद अपने आप से पूछना है, मुझसे नहीं। मैंने फिर भी क्लियर कर दिया आपको ताकि आपको समझ आ जाए। सवाल नंबर 3 ये था कि हमारी स्किन टाइप क्या हो, ये मुझसे पूछा जा रहा था कि हमारी स्किन टाइप का हमें कैसे पता चलेगा। या तो स्किन टाइप का भाई मतलब आराम से पता चल जाता है ना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सर्दी अब आ गई है तो आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ होने लगेगी, आप कोई भी चीज अगर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाते तो वो खींचने लगती है, तो ड्राई स्किन है। अगर नॉर्मल स्किन है तो वो थोड़ी आराम से चलेगी मतलब, लेकिन इस वेदर में उसको भी मॉइस्चराइजर की या सीरम वगैरह की जरूरत रहेगी। और अगर आपकी स्किन एक्नी
प्रॉन है या ऑयल वगैरह गर्मियों में निकलता रहता है, या आप कोई भी चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं या फिर इस तरह की कोई तली हुई चीज़ खाते हैं तो फौरी एक्ने की भरमार हो जाती है, तो आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आप कोई भी रेमेडी या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आपकी स्किन पर इचिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाती है या फिर ख़ारिश वगैरह फील होती है, तो आपकी स्किन सुपर डुपर सेंसिटिव है। सही हो गया, ये आप लोगों ने खुद डिटरमिन करना है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। सवाल नंबर 4th, ये सवाल बड़ा पूछा जाता है और ये बड़ा ही कॉमन सवाल है कि मार्केट में जब हम होते हैं, कोई भी फाउंडेशन जब अप्लाई करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल सेटल होती है, हमारी स्किन के साथ जा रही होती है, जैसे ही हम घर पे आके आप उसको अपने फेस पर लगाते हैं ना, तो वो अजीब सी ग्रे सी हो जाती है, अजीब गंदा लग रहा होता है, तो समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ, इतने पैसे भर के आ चुके होते हैं। तो ये सवाल बड़ा कॉमन है क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम उसे कलाई पर लगाकर देख रहे होते हैं, हम उसे अपने हाथ पर लगाकर देख रहे होते हैं। हाथ का, कलाई का और फेस का कलर टोटल डिफरेंट हो सकता है, सभी का सेम कलर नहीं होता, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि अपने शेड से 2 या 3 शेड टोन लाइटर शेड चूज कर लेते हैं ताकि हम गोरे दिखें। गोरे दिखने के चक्कर में फिर बाद में क्या होता है वो आगे चल के बताऊंगी, लेकिन इससे क्या होगा कि अभी ये जो शेड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ये मेरी स्किन टोन का शेड नहीं है, कलाई पर भी नहीं है, तो फेस पर कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, हम वहाँ पर ये गलती करते हैं क्योंकि हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर जो टेस्टर पड़े होते हैं उनको टेस्ट ही नहीं करते, सीधे डायरेक्ट हम लोगों ने कट मारते हुए सेलमैन के पास या फिर जो सेल कर रही होती है लड़की उसके पास पहुंच जाना होता है और उसको कहना है ले आप भाई सारे फाउंडेशन हमें दिखा दे, सबसे ज्यादा गोरा करने वाला और सबसे ज्यादा हाई कवरेज देने वाला फाउंडेशन हमें चाहिए, तो वो उठाकर आपको दे देगा, तो आप लोग वही उठाकर ले आते हो, वो चाहे 5,000 का हो, 7 का हो, 3 का हो, 2 का हो, वो एक अलग इशू है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहां पर अपने फेस के ऊपर यानी कि यहां से लेकर यहां तक फाउंडेशन जो है वो उसको इस तरह से लगाकर, कान का ये वाला जो एरिया होता है ना, जब यहां पर फाउंडेशन ट्राई किया जाता है तो ये ऐसी एक जगह है पूरे फेस के ऊपर कि आपका फाउंडेशन बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेड बता रहा होता है जो कि आपकी स्किन का टोन होता है, ठीक है। आप लोगों को ये एक बड़ा ही टेक्निकल सा बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर आप लोगों ने लगा कर देखना है, यहाँ पर अगर आपके पास 2 से 3 शेड उन्होंने दिखाए हैं तो फिर आप उसको यहाँ पर क्लोज क्लोज लगाने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सो अभी मैंने यहाँ पर कलाई के ऊपर ना काफी सारे शेड्स जो है ना वो ले लिए हैं, अभी मैं 1 by 1 इनको अपने फेस के ऊपर आपको लगाकर दिखाती हूँ कि कौन सा शेड मेरी स्किन के साथ जा रहा है, ठीक है जी। लाइटर पिंक अंडरटोन जो कि मुझे भूतिया बना देता है, आगे चल के बताऊंगी कि पिंक अंडरटोन और स्किन का जो होता है ना टेक्सचर वो कैसा होता है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा सारा का सारा। अच्छा, अब इनमें से जो भी आपके स्किन टोन के हिसाब से क्लोजेस्ट शेड होगा वही आपकी स्किन के ऊपर जाएगा, वही आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किन के साथ सेटल होने लगेगा और अंदर पेनिट्रेट होने लगेगा, जिसे हम ऑक्सीडाइज भी बोलते हैं कि 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद हमारा जो फाउंडेशन है या तो वो ग्रे हो गया या वो फिर टैन हो गया या फिर वो हमारी स्किन के अंदर बैठ गया और नीचे से जो टोन है ना वो बाहर निकलने लगी है, तो वो सेटल हो रहा होता है, हमारी स्किन के साथ जा रहा होता है, ठीक है जी। मेरा इनमें से जो शेड है वो ये वाला शेड है और यही मैं यूज करती हूँ, लेकिन ये जो बाकी शेड है ये मेरी स्किन के साथ नहीं जा रहे, ये बहुत ज्यादा लाइट है, ये पिंक अंडरटोन में आ गया, मुझे येलो अंडरटोन सूट करता है, और ये वाला जो है ये भी थोड़ा सा लाइट लग रहा है और मिक्स सा लग रहा है, और ये वाला जो है ये मेरी स्किन के हिसाब से है, मैं इसे अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हूँ और यही मेरी स्किन के साथ जाता है। और मेरा जो शेड होता है फाउंडेशन का वो एक शेड जो है वो मैं थोड़ा सा लाइटर लेती हूँ, जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता बैठता है स्किन के अंदर तो वो सेटल हो जाता है। ये आप लोग कर सकते हो, एक टोन आप थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन चूज कर सकते हो, ज्यादा नहीं वरना आप चिट्टे भूत बन जाओगे यार। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि ज्यादा सूटेबल कौन सी चीज रहती है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए, तो जो आपके हाथ पर टिक जाए चीज वही ज्यादा सूटेबल रहती है। आप मेकअप ब्रश भी यूज कर सकते हो, इसके साथ आपकी फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस बनती है, बहुत अच्छी दिखती है। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको वेट करना होता है तो बार बार मुझसे वेट नहीं होता, थोड़ा सा आलस आता है मुझे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर जो मेकअप ब्रश है उसे ही यूज कर लेती हूँ। ये वाला शेड है, इसे अपनी स्किन के अंदर मैं पेनिट्रेट यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाऊंगी, तो ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ आराम से चला जाएगा। पहले भी मैंने हल्का से, बिल्कुल हल्का से इस शेड को अप्लाई किया हुआ है और बाकी जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि 10 मिनट के बाद वो मेरी स्किन के अंदर ना ही तो पेनिट्रेट होंगे और ना ही वो मेरी स्किन के साथ जाने वाले हैं। अगर वो मैं लगाऊंगी तो मेरी स्किन या तो फिर बहुत ज्यादा ग्रे हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा फाउंडेशन और बहुत भद्दी दिखेगी यार, बहुत भद्दी। और आप लोगों को ये भी बताते चलूं कि अगर आप चीटा फाउंडेशन ले लेते हैं तो जब आप किसी भी शादी ब्याह पर जाते हैं तो वहां पर फ्लैश के साथ आपका फोटो लिया जाता है किसी भी कैमरे वगैरह के साथ, तो फिर यार वो जो फोटो
टैटू निकल कर सामने आता है उसमें बिल्कुल बिल्कुल हम भूतिया लग रहे होते हैं, मतलब चिट्टा चूना मला हुआ है फेस के ऊपर ऐसा दिख रहा होता है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो बड़ा टेक्निकल सा है और बड़ा साइंसी सा सवाल है, तो हम यहाँ पर कोई मेकअप क्लास नहीं दे रहे, मैं आप लोगों को सिंपल सी बातें और सिंपल सी चीजें बता रही हूँ। कि बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि आप स्किन टोन और अंडर टोन क्या स्यापा है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, इसको कैसे समझे हम, हमें नहीं समझ आती। तो सीधी साफ बात है, मैं टर्की गई थी जब, तो वहां पर मुझे एक ब्रांडिंग मेकअप का पूरा बॉक्स दिया था। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनका कलर पिंकिश सा व्हाइट सा, टर्की के जो लोग हैं उनके जो कलर हैं पिंक अंडरटोन में है, पिंक अंडरटोन में जो कलर होते हैं उनके साथ ये जो फाउंडेशन है, यही वाला था, हाँ आई थिंक यही वाला फाउंडेशन था। और उन्होंने मुझे अपने अंडरटोन के हिसाब से उठाकर जो गिफ्ट बॉक्स में फाउंडेशन दिया वो पिंक सा था। ये आप लोग यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैं इसको लगाती हूँ और अपने फेस के ऊपर जैसे इसको लगाती हूँ तो ये मेरी स्किन के साथ जाता ही नहीं है। ये देखें, पिंक सा अंडरटोन है इसका, ये आप लोग देख सकते हो। जबकि मैं पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन जब भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी तो वो मुझे भूतिया बना देगा, अजीब सा केकी सा, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसको 2-3 मरतबा अप्लाई भी किया तो मेकअप की वो लुक ही नहीं निकल कर आ पाती जो कि आनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी अंडरटोन कौन सी है? एक तो सिंपल सी बात यह है कि हम एशियन लोग हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सूरज भी हमारे आस पास ही रहता है, तो इस वजह से हमारी जो टोन होती है वो ज्यादातर येलो अंडरटोन है, जिसके अंदर हमें येलो कलर के फाउंडेशन जो है ना वो आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, जो कि इस तरह के टाइप में होते हैं। ये अब आप लोगों को मैं यहाँ पर लगाकर दिखाऊंगी। तो मेरा अंडरटोन जो है वो येलो है और मुझे गोल्ड कलर की जो ज्वेलरी है ना वो आराम से जच जाती है, ये मेरा अंडरटोन है, ना कि ये पिंक में है और ये येलो में है, और मुझे येलो सूट करता है ना कि पिंक सूट करता है। अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई अच्छी दिखती है, आप पर बड़ी जचती है, तो समझ लें आपका जो अंडरटोन है वो येलो है। लेकिन अगर आपको सिल्वर ज्वेलरी भी चल जाती है आपके ऊपर और बहुत अच्छी और कमाल की दिखती है, तो समझ लें आपका जो अंडरटोन है वो पिंक है, तो फिर आप पिंक अंडरटोन वाला फाउंडेशन बाय करेंगे। सिंपल है यार, इसमें ज्यादा रोले में पड़ने की जरूरत नहीं। एक और बात, अगर फिर भी आपको अंडरटोन की समझ नहीं आ रही, मेरी पिछली बात आपको कख भी समझ नहीं आई, तो आपने क्या करना है कि जब टेस्टर में से आप लोग अपने स्वेचेस ले रहे होते हैं आपके फेस के ऊपर इधर और इधर लगा रहे होते हैं नेक के ऊपर, तो तब आप लोगों ने यहाँ पर ये बात खास ख्याल रखनी है कि वहां पर जो येलो लाइट्स अंदर जल रही होती है ना किसी भी स्टोर में किसी भी मॉल में, तो वहां पर उन येलो लाइट्स के सहारे आप लोगों ने फाउंडेशन ट्राई नहीं करना, बल्कि अगर व्हाइट कलर की लाइट्स जल रही हैं तो उसके अंदर कर लें, तो आपको ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा कि आपके फेस के ऊपर कौन सा फाउंडेशन का शेड जा रहा है। अगर नहीं है वहां पे व्हाइट लाइट्स तो फिर आप धूप का सहारा ले सकती हैं, नेचुरल लाइट का सहारा ले सकती हैं, बाहर निकलें बाहर जाकर अपने फेस के ऊपर, शीशा भी हाथ में साथ में होना चाहिए आपके, जाहिर सी बात है फाउंडेशन बाय करने जा रही है तो ये सारी चीजें साथ होनी चाहिए, वहां पर जाकर चेक करें, तो फिर जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज शेड जा रहा होगा, चाहे वो पिंक में जा रहा हो चाहे वो येलो में जा रहा हो, आप लोगों ने वही परचेज करना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पर बताती चलूँ कि उसको आपने फाउंडेशन को यहाँ पर लगाकर कम से कम 15 मिनट तक का टाइम देना है, फिर ही आपको पता चल पाएगा कि आपका शेड पिंक है या येलो है। सवाल नंबर 6 है कि मार्केट में फाउंडेशंस कितने इकसाम के पाए जाते हैं? लिक्विड होता है, क्रीम होता है, और इसके अलावा ये वाला जो स्टिक होता है, ये वाला फाउंडेशन होता है जिसे क्रेलोन पेंट स्टिक या इस तरह का कहते हैं, ये प्रोफेशनल यूज करते हैं या ब्राइड्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा मूस फाउंडेशन होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, और इसके अलावा पाउडर फॉर्म के अंदर भी फाउंडेशन मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो टोटल जो मिलाकर फाउंडेशन हुए हमारे पास वो हैं यहाँ पर 5, सारे उठाए नहीं जाएंगे वरना ये गिर जाएंगे। ओह शिट, नॉट गुड, आओ गिर गया, गिर गया पाउडर वाला गिर गया, अभी भी गिरे जा रहे, ये देखे मैं को मजाक कर रही हूँ इसलिए उठा के निकाली थी यार, खिलारा और गन मच गया सारा। हमारा 7th एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्किन पर कौन सा फाउंडेशन सूटेबल है। जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है फाउंडेशन वो होता है लिक्विड फाउंडेशन, ये हर तरह की स्किन पर सूटेबल होता है, ये इसमें आपको काफी सारी वैरायटी भी मिल जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फाउंडेशन बाय करने का सोच रहे हैं तो लिक्विड फाउंडेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसकी बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, आपके स्किन टोन के हिसाब से भी चला जाएगा और आप इसको आराम से बाय कर सकते हो, आराम से इसको लगाया भी जा सकता है। इसे सभी यूज कर सकते हैं, ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स।
स्टेप्स। दूसरे नंबर पर आ जाता है क्रीम फाउंडेशन। ये जो है ना फाउंडेशन, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अप्लाई करने में दिक्कत होती है क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड फाउंडेशन से जो है ना वो थोड़ा सा थिक होता है और इसको ब्लेंड करने की भी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें भी आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है ना वो शेड वगैरह मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। साथ में आप लोगों को ये भी बताते चलूं कि अगर आप लोगों को थोड़ी हाई कवरेज चाहिए तो क्रीम फाउंडेशन की जो कवरेज होती है वो थोड़ी सी हाई रहती है, तो इसकी कवरेज अच्छी होती है, आप लोग यूज कर सकते हो। और जो लिक्विड फाउंडेशन होता है उसकी कवरेज भी ठीक होती है, अच्छी होती है, मीडियम टू हाई होती है। ये डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं मूस फाउंडेशन की। मूस फाउंडेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। मैंने यहाँ पर मेबेलिन का, लॉरियल का और एपीके वालों का मूस फाउंडेशन जो है वो यूज किया हुआ है। इसकी कवरेज इस तरह से होती है, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले आराम से यूज कर सकते हैं। ये मेरी स्किन के साथ का ही है तो इसलिए मेरे साथ मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने लिए लिया था इसको चेक करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से इसकी कवरेज आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो है ना वाइब हो जाता है, उड़ जाता है, ऐसा फील होता है कि आपने जैसे कोई चीज लगाई नहीं हुई। वैसे ये लाइट वेट होता है और लाइट वेट होने की वजह से ये ज्यादा हाई कवरेज आपको नहीं देता, तो ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते और बाय भी नहीं करते। बाकी अगर आप लोगों ने किया हो तो कमेंट्स में आके बताइएगा। लेकिन जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो बड़ी ही सेटल सी फिनिश आपको मिल जाती है। थोड़ी देर के बाद लगता है कि आपने कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर नहीं लगाई, उड़न छू हो जाता है। फिर बारी आती है जी स्टिक फाउंडेशन की। ये सभी यूज नहीं करते, घर में यूज नहीं की जाती क्योंकि ये हाई कवरेज देती है, फुल कवरेज देती है। ये सैलून्स वगैरह में यूज की जाती है या मेकअप आर्टिस्ट इसे यूज करते हैं। इसके अलावा ये जब हम किसी ने ब्राइड वगैरह बनना हो तो तब उस पर यूज की जाती है क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज्यादा हाई होती है। यहाँ पर थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये फुल कवरेज के साथ होता है। तो इस तरह की बहुत सारी स्टिक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना हो, घर पे करना हो, तो फिर आप लोग इस तरह की स्टिक लेकर रख सकते हो। बट आई थिंक इसका घर में होना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हमने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करवाना होता है तो हम अपने घर के आजू बाजू में जो कोई पार्लर छोटा मोटा खुला होता है उसमें जाकर हम तैयार हो जाते हैं, तो इसलिए ये पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, तो इसका ज्यादा यूज घर पे नहीं होता। और लास्ट में बारी आती है जी पाउडर फाउंडेशन की। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने गिराया था और अभी इतना कोई मैस यहाँ पर क्रिएट हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती कि मेरे कपड़ों की और नीचे रग की क्या हालत हो गई है। खैर से ये जो पाउडर फाउंडेशन होता है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन पर कोई भी फाउंडेशन सूट नहीं कर रहा तो आप अपने स्किन के टोन के हिसाब से येलो या पिंक अंडरटोन में जो इस तरह के बेस मिल जाते हैं पाउडर फॉर्म में, वो आप लोग ले सकते हो। ये कुछ इस तरह का होता है, ये फौरी तौर पर जो है ना अप्लाई भी हो जाता है, लेकिन इसको ज्यादा प्रोफेशनल ही यूज किया जाता है। और पार्लर्स वगैरह में मैंने इसको ज्यादातर यूज करते हुए लोगों को देखा है बेस वगैरह बनाने के लिए, और सेटल बेस बन जाती है। और बाकी लेकिन मैं इसको ज्यादा यूज नहीं किया, मेरा इसके साथ कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो ऑयल स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। मैंने एक दो लोगों से सुना है कि जो भी लोग इसे यूज करते हैं तो ये ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता, मतलब कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद ये जो है ना गायब हो जाता है आपके फेस के ऊपर से, और ऐसा लगता है जैसे कि अपने फेस के ऊपर कोई भी चीज अप्लाई नहीं की हुई। लेकिन मुझे यहाँ पर जाते जाते एक बात याद आ गई कि मेरी जो भाभी है ना वो यूज करती हैं पाउडर फाउंडेशन, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो एक्नी प्रोन है और ऑयली है। तो वो क्या करती हैं कि सबसे पहले जो है ना वो हल्की सी लेयर जो है ना वो किसी भी लिक्विड फाउंडेशन की जो कि उनकी स्किन टोन के हिसाब से होता है वो उसे अप्लाई कर लेती है, और उसके बाद एक पाउडर फाउंडेशन के अंदर एक लाइटर शेड अपनी स्किन टोन से लेकर उसके ऊपर उसको सेट कर लेती है। तो उससे वो क्या होता है कि वो बड़े ही सेटल सी एक लुक आ जाती है, और ये जो है ना वो जल्दी से उड़ता भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और काफी अच्छा इफेक्ट भी देता है। और अगर आपने किसी शादी वगैरह पार्टी वगैरह में जाना है और 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपको मेकअप चाहिए, तो इस तरह की ट्रिक अगर आप यूज करेंगे ना तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग बना रह सकता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मतलब ऑयल निकलेगा ही नहीं ना, तो मेकअप जो है वो आपका एज इट इज सेट रहेगा। बाकी मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले जो है ना वो पाउडर फाउंडेशन यूज ना करें, और ना ही बाय करें, फिर जरूरत नहीं है। ये मैं लेकर भी उन्हीं से आई हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था। सो ये थी जी आज की वीडियो फाउंडेशन के बारे में, कि फाउंडेशन कौन सा हो, कैसा हो, कवरेज कैसी हो, फिनिश कैसी हो, हमारी कौन सी स्किन टाइप हो, कैसा लेना चाहिए, लिक्विड हो, पाउडर हो, मूस हो, क्रीम हो, कौन सा होना चाहिए। ये सारी डिस्कशन जो थी ना वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की है, और सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आई होंगी मेरी बातें। सो मिलते हैं जिस तरह की और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई फाउंडेशन बाय करने लगे हैं तो ऑनलाइन तो बाय करने की रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मार्केट जाइए और खुद जाकर अपनी मर्जी से अपने स्किन के ऊपर लगाकर ट्राई टेस्ट कीजिए और फिर उसे बाय कीजिए। जब वो आपको सूट कर जाए तो उसी तरह के शेड्स में, उसी तरह के कलर्स में आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी अंडरटोन का, अपनी स्किन टोन, फाउंडेशन के शेड वगैरह का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मिलते हैं जी और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज। बाकी एक बात तो मैं बताने ही भूल गई कि बहुत सारे कमेंट्स अब ये आएंगे कि आपका मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है, किस ब्रांड का है, कौन सा नंबर है। मेरा कोई भी हो लेकिन वो हो सकता है आप पर सूटेबल ना हो। सो इसलिए मैंने यहाँ पर किसी भी कंपनी की कोई मशहूरी करने के लिए किसी का कोई नाम नहीं बताया। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी जेब पर भारी ना हो, जो आपको आसानी से मिल भी जाए, मतलब हो सकता है ना कि मैं कोई ऐसा फाउंडेशन बता दूं जो कि आपके यहाँ आसानी से मिल ही ना पाए, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर किसी भी फाउंडेशन का नाम नहीं लिया, कोई शेड नहीं बताया। जो आपको अच्छा लगे वो आप बाय करें। सो इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही था, क्योंकि बाद में कमेंट्स बहुत आने थे और उनका बारी बारी रिप्लाई करने से बेहतर है कि मैं यहीं पे बोल के चली जाऊँ। अब अल्लाह हाफिज़।